समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी रात को अचानक पहले कभी कॉल नहीं की तुमने, ऐसे बम फाड़ा कि मैं घबरा गई। यार थोड़ा ख्याल करो इस उम्र में। तुरक भी यहाँ है। मैं तो नाइट सूट में ही आ गई, कैसी हरकतें करती है। नाइट सूट बड़ा शानदार है। थैंक यू। आई एम वेरी स्टाइलिश, ट्रेंडी एंड यूनिक, है ना? अच्छा हुआ क्या है? तुम्हें फोन पर भी कहा था कि इतनी रात को आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दुरुक इतनी रात को यहाँ मौजूद है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। चलो बताओ। ठीक है, क्या हयात को मालूम है कि मैं सब जानता हूँ? सोते से उठकर आई हूँ तो दिमाग ऑन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। रुको जरा सोचने दो। उसे मालूम है या नहीं? हाँ याद आ गया। यस, असली जब भी हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए तो हमेशा क्यों ऐसे हमारा हर काम बिगड़ जाता है। सही कह रही हो तुम, मुझे भी हैरत है इस पर, क्योंकि उसने अपने मामलात इतने उलझाए रखे हैं। मैं अगर हयात की जगह होती तो अब तक क्लियर कर चुकी होती हर बात, चाहे कयामत क्यों ना आ जाती। बात यह है कि जब तक हमने टूवल मैम को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, वाकई। लेकिन हमें क्या पता था कि वो औरत पकड़ेगी ठग करके मुराद को और उसे बता देगी सारी बात। हाँ हाँ यार, मारे गए टूवल मैम का फोन। यार ये इतनी रात को टूवल मैम हमें क्यों फोन कर रही है? अभी तो मैं बता रही हूँ कि हैरियत नहीं है तभी वो हमें फोन कर रही है। असली शोर ना करो, रिलैक्स हो जाओ, फोन उठाओ जल्दी यार। हेलो, खैरियत है टूवल मैम? बात सुनो, सबसे पहले माजरा करने के लिए, आई एम रियली सॉरी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप हुक्म कीजिए। हयात को पता है कि मुराद को मालूम हो चुका है? जी पता है। ओके बाय। उसे मालूम है। क्या मतलब, ये क्या था? मुझे भी समझ नहीं आया, ये तो अजीब हरकत की है उन्होंने। बस एक बार डायरेक्ट पूछी और टेलीफोन बंद कर दिया उन्होंने, ये चक्कर क्या है यार? असली टूवल जान गई कि हयात को पता चल गया कि मुराद को मालूम है, तो मुराद को भी हयात के पता होने को मालूम हो गया। समझो फिर ये समेटो असली, चलो फटाफट खाना उठाओ और उन मोहतरमा को बुलाओ, अब नहीं बचेंगे हम।